देखने लायक है। बत्तीस रन 26 गेंदों का ये साझेदारी, यहां उठा के खेला जरूर है, कैच का मौका बन चुका है, कैच भी हो चुका है। रोशन अपने अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे, मनोज तिवारी जरूर गियर बढ़ाना चाहते थे लेकिन संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं, और अब ग्राउंड में हजारों जुगनू भी आ चुके हैं। अच्छी कैच, दबाव रहता है, ये फाइनल मुकाबला है, उन सभी चीजों को सहन से हटाकर अपने कंपोजर को पा लेना और ऐसा कैच पकड़ना, लाजवाब रोशन। मनोज तिवारी लौटेंगे 9 रन बनाकर 49 पर 3। हर एक टॉर्च लाइट उम्मीद ही तो है कि विशाखापट्टनम में ये लाल ध्वज लहराने का मौका मिलेगा इस मैच के अंत में। होम ग्राउंड में खेल रही है तेलुगु वॉरियर्स और उनके सामने हैं भोजपुरी दबंग। असगर खान उतरे हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। ये वो चैंपियन है जिन्होंने फाइनल में पहुंचाया था अपने टीम को। दो गेंदें 10 रन की जरूरत थी, आखिरी गेंद पे 5 की जरूरत थी, जो छक्का लगाया उन्होंने, आसान शॉट था भी नहीं वो, एक छोटा रन गेंद थी, पूरा प्रहार किया था और गेंद लॉग ऑफ बाउंड्री के बाहर चली गई थी। 6 रन के लिए 5 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और छक्के से जीत दिलाई थी। असगर खान बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, दो बैट्समैन इस वक्त इस मैदान पर हैं जो टीम के टोटल को काफी आगे तक ले जा सकते हैं, मगर तेजी से रन बनाने होंगे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ये स्ट्रोक खेला और मिड विकेट पर गैप में जरूर है, वहां पर रोशन है फील्डर, बहुत अच्छे फील्डर, उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा था, सोच उनकी काफी अच्छी थी। सोनी जी वो जानते थे कि थोड़ा सा वेट है अभी भी ग्राउंड, तो गेंद को आने भी दिया और थोड़ा सा राउंड भी आए थे क्योंकि जानते थे वहां पर दूसरे रन का मौका नहीं बन सकता था, तेज मारा गया गेंद था वो। थोड़ा सा ग्राउंड स्लिपरी जरूर है वहां पर, अच्छा प्रयास था वहां पर, सम्राट थे वहां पर, हालांकि उनके चेहरे पे लगी जरूर है, थोड़ी सी चोट भी उनको आई है और प्रिंस है, माफ कीजिएगा। देखिए प्रिंस को एक फील्डर गिनना बहुत गलत होगा, वो दो फील्डर हैं, दो फील्डर हैं, एक लगते हैं। ये वो हिस्सा ग्राउंड का जहां पर कवर्स नहीं थे, शायद थोड़ा सा अभी भी वहां पर गीलापन होगा जिसे खिलाड़ी फिसल गए थे, हालांकि जो लॉग ऑफ से खिलाड़ी भाग के आए थे वो भी थोड़े फिसले जरूर थे, मगर अपनी टीम के 2 रन बचा लिए। अच्छी गेंद, देखते ही स्लो कर लिया था। देखिए पॉइंट पे फील्ड करना सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि उस एंगल से आप तब तक अच्छे फील्डर नहीं बन सकते पॉइंट पे जब तक आपको आदत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पर कप्तान ने खुद को दी है वो जिम्मेदारी पॉइंट पे फील्ड करने की, और जिस तरीके से चार्ज लेते हैं 30 गज के दायरे से शुरुआत करके जो चार्ज लेते हैं वो देखने लायक, जिसके कारण एक रन भी थोड़ी सी रेसिस्टेंस के बाद ही ली जाती है। यहां पर कैच का मौका, कौन है उसके नीचे, अश्विन बाबू, चौथा झटका भोजपुरी दबंग्स के लिए और इस बार आदित्य के रूप में। 8-3 रिप्ले में भी देखेंगे कि धीमी गति की गेंद को पढ़ नहीं पाए थे और गेंद सिर्फ ऊंची गई थी, जानते थे दुविधा में है। आदित्य उनको एक स्टार्ट मिला जरूर था, 26 पर लौट रहे हैं, 54 पर 4।